हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 18th of May 2019। तो 18 मई 2019 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है एंड इसकी पूरी कंडीशंस बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, कितने लोगों को पहले लगता है, रेजोल्यूशन लगता है कि नहीं लगता है, सेंसर मोशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें अगर आप बता सके तो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। रिवाइज कर लीजिएगा एक तरीके से आप। देन सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की प्रोसेस क्या है। एक क्वेश्चन इसमें स्पेसिफिकली याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, जो उसका इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, उसमें कौन कौन लोग रहते हैं और प्रेसिडेंट के रिमूवल के टाइम पे कौन कौन से लोग रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर बतानी है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द रिमूवल ऑफ द सिलेक्शन, रिमूवल एंड सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस का जो सिलेक्शन है और जो रिमूवल प्रोसेस है, वो दोनों अगर आप पढ़ लीजिएगा एटलीस्ट, बताइए भले ना लिखिए आंसर लेकिन पढ़ तो लीजिएगा ही। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज फ्रॉम हिस्ट्री, विच वर द पैरेलल गवर्नमेंट्स विच आर फॉर्म ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में आप सबको पता है कि बहुत सारी पैरेलल गवर्नमेंट्स बनी थी, है ना, पैरेलल अच्छी जैसे कि प्रति सरकार, ये सारी बहुत सारी पैरेलल गवर्नमेंट्स बनी थी। तो आपको बताना है कौन सी पैरेलल गवर्नमेंट कहाँ बनी थी, कितने टाइम पीरियड के लिए रूल की थी और कौन किसका रूलर था। तो दीज आर द फोर क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। एक तरीके से रिवीजन पर्पस से ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इस समय, तो प्लीज़ डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट। तो पहले पेज में तो कोई ज़्यादा न्यूज़ आइटम है नहीं, एनआरसी का नाम आया था, तो एनआरसी के बारे में एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। एनआरसी स्टैंड्स फॉर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, और ये जो प्रोसेस है बेसिकली ये किसने स्टार्ट करवाई थी, इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टार्ट करवाया था। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसको स्टार्ट करने के लिए। और क्या ये पहली बार एनआरसी हो रहा है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, पहली बार नहीं हो रहा है एनआरसी, और इसके पहले भी एनआरसी हो चुका है 1951 में, तब इसको किसने करवाया था, तब इसको होम मिनिस्ट्री ने करवाया था। तो याद रखिएगा एनआरसी के बारे में याद रखिएगा। एंड अभी का जो एनआरसी, उसमें जो कट ऑफ डेट है वो क्या है, 24th March 1971 कट ऑफ डेट ली गई है। उसके पहले के जो लोग हैं जिनका नाम आता है वहाँ के किसी भी आइडेंटिटी कार्ड में या प्रूफ कर पाते हैं कि वो वोटर्स थे, तो उनको लेगेसी वोटर्स कहा जाता है या लेगेसी सिटीजन्स कहा जाता है। एंड इफ़ समवन इज़ नॉट एबल टू प्रूव हिज और हर आइडेंटिटी और रिलेशन विद एनी लेगेसी वोटर, और इफ़ ही इज़ नॉट एबल टू प्रूव दैट ही वॉज द रेसिडेंट और सिटीजन ऑफ असम बिफोर 24th March 1971, देन ही कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डी वोटर और ड्यूबियस और डाउटफुल वोटर। तो याद रखिएगा डी वोटर, लिगेसी वोटर, दोनों मैंने आपको बता दिया क्या कैटेगरीज हैं। इसके अलावा असम में हो रही है प्रोसेस और इलीगल माइग्रेशन जो बांग्लादेश से आता है उसको रिमूव करने के लिए, कम करने के लिए। इसके साथ एक और बात याद रखिएगा कि जो लोग अपनी आइडेंटिटी नहीं प्रूव कर पा रहे उनको डिटेंशन कैंप्स में रखा जा रहा है। डिटेंशन कैंप्स वो जगह है जहाँ पे डिपोर्ट करने के पहले ऐसे लोगों को रखा जाएगा, तो ये भी आप याद रखिएगा। दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विच आर देयर रिगार्डिंग दिस एनआरसी प्रोसेस। ओके, मेन बात ये याद रखिएगा कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट एनआरसी प्रोसेस इज बीइंग हैपनिंग देयर। ओके, तो ये पहली बार नहीं हो रहा है। ओके, तो ये चीज याद रखना है आपको। लेट्स मूव टू द सेकेंड नेक्स्ट पेजेस, आगे की तरफ मूव करते हैं। मिजोरम टू इंक्रीज मेज ईल्ड डिस्पाइट द पेस्ट आउटब्रेक। अब आपको मैंने एक दिन कुछ दिनों पहले आई थिंक 8th of May को मैंने आपको बताया था रिगार्डिंग दिस फॉल आर्मी वर्म। तो फॉल आर्मी वर्म क्या है, बेसिकली एक अभी ये पेस्ट है जिसका रिसेंटली आउटब्रेक हुआ है। एक्चुअली जो इसका स्टार्टिंग हुआ था वो वेस्ट अफ्रीका में हुआ था 2016 में। फॉल आर्मी वर्म का जो पहला केस था वो वेस्ट अफ्रीका से मिला था इन 2016। एंड दिस पेस्ट क्विकली अज्यूम्ड एपिडेमिक प्रपोर्शंस एंड स्प्रेड टू ओवर 44 अफ्रीकन कंट्रीज। लगभग 40 कंट्रीज में ये स्प्रेड कर गया। इंडिया में पहला केस इसका कर्नाटका में देखने को मिला था 2018 में कर्नाटका में ये पहली बार देखने को मिला इंडिया में। वैसे अगर कोई स्टार्टिंग पूछे फॉल आर्मी वर्म की तो कहाँ की है, वो आपके याद रखेगा वेस्ट अफ्रीका की है। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ऐसे पूछेगा कि फॉल आर्मी वर्म वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली, एंड वहाँ पे वो ऑप्शन आपको आर्मी से रिलेटेड कन्फ्यूज करने के लिए देंगे, तो प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज देयर। और बहुत लोग कन्फ्यूज होंगे, बिलीव मी बहुत लोग कन्फ्यूज होंगे। एक ऑप्शन रहेगा इट इज़ अ पेस्ट, दूसरा रहेगा इट इज़ अ फॉल इन प्रोसेस ऑफ आर्मी। फॉल इन प्रोसेस ऑफ आर्मी की होती है ना, फॉल इन प्रोसेस होती है, तो ये पूछ सकते हैं, डायरेक्टली पूछ लेगा आपको, इस तरह से ऑप्शन दे देगा, तो ऐसे कन्फ्यूज नहीं होना। इट्स अ पेस्ट, पेस्ट याद रखेगा जो कि मेज को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, मेज को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ओके, ये याद रखेगा। सो दिस इज रिगार्डिंग द फॉल आर्मी वर्म, आई होप यू गॉट क्लैरिटी ऑन दिस। ओके, आगे की तरफ मूव करते हैं।
नाउ सेंटर इशूज ड्रॉट एडवाइजरी टू सिक्स स्टेट्स, तो सेंटर ने ड्रॉट एडवाइजरी इशू की है 6 स्टेट्स को, जिनके नाम है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। एक चीज़ मैंने पहले भी आपको ड्रॉट से रिलेटेड बताई है कि कौन सी एंटिटी है जो कि ड्रॉट डिक्लेयर करती है किसी स्टेट में, तो याद रखिएगा इट इज़ द स्टेट गवर्नमेंट इटसेल्फ। तो कौन डिक्लेयर करता है कि ड्रॉट है या नहीं है, तो ये डिक्लेयर करने का पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो इट इज़ द स्टेट गवर्नमेंट विच डिक्लेयर्स वेदर देर इज अ ड्रॉट और नॉट। नाउ ये ड्रॉट एडवाइजरी क्या चीज़ है, क्या चीज़ है ये, है ना, तो देखते हैं। ड्रॉट एडवाइजरी बेसिकली इज इशूड टू स्टेट्स व्हेन द वाटर लेवल इन रिजर्वॉयर्स इज 20% लेस देन द एवरेज ऑफ लाइव वाटर स्टोरेज फिगर्स फॉर द पास्ट 10 ईयर्स। पिछले 10 साल का एवरेज लाइव वाटर देखा जाता है कि कितना लेवल रहा है पिछले 10 सालों में, और अगर उससे 20% कम हो जाता है रिजर्वॉयर्स में पानी, तो फिर ये इशू की जाती है ड्रॉट एडवाइजरी। तो ये 6 स्टेट्स में ड्रॉट एडवाइजरी इशू की गई है। ड्रॉट एडवाइजरी क्या होती है याद रखिएगा, इट इज़ इशूड कब इशू की जाती है, जब वाटर लेवल 20% घट जाए, 20% लेस हो जाए देन द एवरेज ऑफ लाइव वाटर स्टोरेज फिगर्स ऑफ द पास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों के फिगर से 20% जब घट जाता है तो फिर ये ड्रॉट एडवाइजरी रिलीज की जाती है। तो ये याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। स्केयर इन द एयर, अब अकॉर्डिंग टू द 2018 WHO डेटा, अगर हम 2018 का WHO का डेटा देखें तो वाराणसी इज रैंक्ड थर्ड अमंग द सिटीज विद मोस्ट पॉल्यूटेड एयर ऑन अर्थ। ओके, तो सबसे अगर पॉल्यूशन में देखा जाए तो WHO के अकॉर्डिंग, 2018 की रैंकिंग के अकॉर्डिंग, वाराणसी तीसरे नंबर पर आता है। एंड 14 ऑफ द 15 सिटीज आर फ्रॉम इंडिया। नंबर एक पर रहते हैं कानपुर, फरीदाबाद सेकंड नंबर पे, एंड वाराणसी थर्ड नंबर पे। WHO की रैंकिंग है उसके अकॉर्डिंग। वाराणसी अब क्यों इंपॉर्टेंट है, वाराणसी क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर की सीट भी है, और अगर हम वाराणसी का स्टेटस देखें तो वाराणसी हैज़ ओनली 1 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन। तो आप अपनी सीट में तो एटलीस्ट क्लीन एयर का प्रोविज़न कर सकते हैं। एंड वाराणसी हैज़ ओनली 1 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन, केवल एक ही एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन है। इट इज़ रैंक्ड अमंग टॉप 3 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड, टॉप 3 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड में ये आता है। और वाराणसी पार्ट है नेशनल क्लीन एयर कैंपेन का भी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल क्लीन एयर कैंपेन। ये यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का कैंपेन है, इट इज़ अ कैंपेन ऑफ एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, क्लीन एयर कैंपेन। और इसके अकॉर्डिंग क्या करना है इनको, टू इम्प्रूव द एयर क्वालिटी इन 100 सिटीज बाय 20% एट लीस्ट बाय 2024 तक 20% से ज़्यादा एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना है इन 100 सिटीज अंडर दिस नेशनल क्लीन एयर कैंपेन। और इम्प्रूव करने की वजह यहाँ पे और ज़्यादा डिटेरियरेट हो रही है ना, तो ये याद रखिएगा। एंड नेशनल क्लीन एयर कैंपेन किसका है, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का है। आपको मैंने इसका एक प्रोविज़न ही बता दिया कि 100 सिटीज़ में इट हैज़ दे हैव टू इंक्रीज द एयर क्वालिटी बाय एटलीस्ट 20% टिल 2024, 2024 तक नेशनल क्लीन एयर कैंपेन के अंतर्गत उनको इम्प्रूव करना है क्वालिटी को। ओके, तो ये याद रखिएगा। एडिटोरियल सेक्शन में आ जाते हैं, तो जो रेफरेंडम ऑन प्राइम मिनिस्टर है ये आर्टिकल हम नहीं डिस्कस करेंगे, आपको नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि ये एक पॉलिटिकल आर्टिकल है और पूरा नरेंद्र मोदी है, पर्सनालिटी बेस्ड आर्टिकल है, तो वी विल नॉट बी डिस्कसिंग दिस आर्टिकल। एक्सटर्नल वोज, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इट इज़ ऑन द चैलेंजेस फॉर इंडियाज फॉरेन ट्रेड। तो अभी रिसेंटली फॉरेन ट्रेड में इंडिया को बहुत सारे चैलेंज देखने को मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है गुड्स का, दैट हैज़ डिक्लाइंड बाय 3% इन डॉलर टर्म्स ओवर लास्ट मंथ। पिछले महीने कंपैरिजन में 3% से ज़्यादा हमारा गुड्स का एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन कर चुका है। ओके, सो दैट इज़ द थिंग। देन द स्लम्प इन द एक्सपोर्ट्स वॉज फेयरली वाइड स्प्रेड, क्योंकि 16 आउट ऑफ 30 मेजर प्रोडक्ट्स उसमें हमको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। मतलब 30 में से अगर 16 आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसमें हमको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, मतलब कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो घटता जा रहा है। देन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में भी हमारा 7% से ज़्यादा का डिक्लाइन हुआ था। ओके, 7% ज़्यादा का डिक्लाइन हमको इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में भी हुआ। देन एडिटोरियल हाईलाइट्स दैट मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स शोइंग स्लो डाउन आर मेजर प्रोवाइडर्स ऑफ द जॉब। जितने भी सेक्टर्स में स्लो डाउन हो रहा है वो जॉब प्रोवाइड करते हैं बहुत ज़्यादा, जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। तो अगर उन सेक्टर्स में स्लो डाउन होगा तो कहीं ना कहीं जॉब के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, वेजेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, और जब लोगों के जॉब नहीं रहेंगे, उनको वेजेस नहीं मिलेंगे, तो उनके कंजम्पशन में भी इम्पैक्ट दिखेगा। जब कंजम्पशन में इम्पैक्ट दिखेगा तो डिमांड पर इम्पैक्ट दिखेगा, जब डिमांड में इम्पैक्ट दिखेगा तो आपको प्रोडक्शन या सप्लाई में इम्पैक्ट दिखेगा। तो आपको दिख रहा है कितनी सारी चीज़ें एक साथ कनेक्टेड है ना। मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि आपको एकदम ऑर्डर से पता रहेगा कि जॉब नहीं रहेगा तो पैसे नहीं रहेंगे, पैसे नहीं रहेंगे तो कंजम्पशन कम करेंगे, अगर कंजम्पशन कम करेंगे तो कंपनीज प्रोड्यूस कम करेगी, प्रोडक्शन कम करेगी, यानी कि सप्लाई कम करेगी, सप्लाई कम करेगी, फिर बाद में डिमांड हो सकता है बढ़े। ये सारा पूरा एक साइकिल है जो कि चलता रहता है ना।
Editorial highlights that the month of April, while export declined, India's import of gold increased. ओके तो ये दूसरी चीज़ है, एक तो गोल्ड का इंपोर्ट और दूसरा ऑयल का इंपोर्ट, और तहरान से, ईरान से हम ऑयल ले भी नहीं पा रहे हैं, तो ये एक और रीज़न है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो एक तो हमारा एक्सपोर्ट घटता जा रहा है, दूसरा हमारा जो ऑयल का इंपोर्ट है और जो गोल्ड का इंपोर्ट है वो बढ़ता जा रहा है। तो अगर वो बढ़ेगा तो हमारा कहीं ना कहीं CAD यानी कि करेंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एंड हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, $15.3 बिलियन पर चल रहा है। सो ये बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, प्लस हमारा जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा है। ओके तो ये भी याद रखेगा। एंड अभी US चाइना का ट्रेड वॉर चलेगा ही, तो US चाइना के ट्रेड वॉर से भी स्लो डाउन होने की संभावना है और ज़्यादा, तो अब उससे भी हमको अपने अपनी इकोनॉमी को बचाना है। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें इस आर्टिकल में लिखी गई थी कि किस तरीके से हमको हमको अपने आप को सुरक्षित रखना है ना, बाकी सारी चीज़ें जाएँ चूल्हे में, अपनी अपने को तो बनाना ही है, बचाना ही पड़ेगा ना यार। चार्टिंग अ क्लियर कोर्स इन द इंडो पैसिफिक, नाउ दिस आर्टिकल इज ऑन इंडो पैसिफिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, इंडिया की जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी है उसके ऊपर ये आर्टिकल है। ऑथर सेज दैट द विजन फॉर इंडो पैसिफिक वॉज मेड क्लियर बाय PM मोदी इन हिज कीनोट एड्रेस एट शंग्रीला डायलॉग। ओके शंग्रीला डायलॉग के बारे में आपको जरूर बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट, शंग्रीला डायलॉग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इंडिया में भी एक रायसीना डायलॉग होता है, तो शंग्रीला और रायसीना दोनों के बारे में आप पढ़िए, एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अब PM ने कहा कि दैट इंडो पैसिफिक स्ट्रेचेस फ्रॉम ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू द ओशियानिया, अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर इंडो पैसिफिक स्ट्रेचेस फ्रॉम ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू द ओशियानिया। और इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी ऑलरेडी चल रही है, आप सबको पता है इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, आसियान नेशंस को बेसिकली वो टारगेट करते हैं, तो इंडिया की जो विजन है पैसिफिक में उसमें आसियान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आसियान इज एम्बेडेड इन द इंडियन इनिशिएटिव, इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। कुछ दूसरी चीज़ें भी इंडिया ने की, जैसे कि पार्टिसिपेशन इन द मैकेनिज्म्स लाइक इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA, देन ईस्ट एशिया समिट में पार्टिसिपेट करते हैं, आसियान का रीजनल फोरम में पार्टिसिपेट करते हैं, बिम्स्टेक हमने बनाया, देन मेकोंग गंगा कॉरिडोर है, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम चलता है, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कॉपरेशन, देन इंडियाज अफ्रीका फोरम समिट। तो ये कहीं कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसके थ्रू पता चलता है कि इंडिया इज वेरी सीरियस रिगार्डिंग द इंडो पैसिफिक, और इंडिया वाकई में चाहता है कि एक कोलैबोरेशन एक कोऑपरेशन बना रहे इन द इंडो पैसिफिक, और इंडिया उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करना चाहता है। इंडिया वॉन्ट्स अ स्टेबल ओपन सिक्योर इंक्लूसिव एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक, इंडिया की यही सोच है कि एक स्टेबल ओपन सिक्योर इंक्लूसिव एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक मिले। एंड गवर्नमेंट हैज सेटअप इंडो पैसिफिक विंग ऑल्सो इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन अप्रैल 2019 अप्रैल में, अभी रिसेंटली ही इंडिया ने इंडो पैसिफिक विंग बनाई है इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एंड दिस विंग विल प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक कोहरेंस टू द प्राइम मिनिस्टर्स इंडो पैसिफिक विजन। तो इंडो पैसिफिक विजन को एक और कोहरेंस मिलने की संभावना है, और ज़्यादा उसको स्ट्रेंथ मिलने की संभावना है। दे वॉन्ट टू इंटीग्रेट द इंडो पैसिफिक विजन विद द IORA, आसियान रीजन एंड क्वाड एंड इंडियन पैसिफिक डायनामिक, इन सारी चीज़ों को कोऑपरेट करके कोलैबोरेट करके एक प्रॉपर पॉलिसी बनाने के प्रयास में इंडिया है। अदर पावर्स लाइक USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो फोकसिंग ऑन द इंडो पैसिफिक, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी कंट्रीज ही फोकस कर रही हैं इंडो पैसिफिक पे, और इंडो पैसिफिक में पार्टिसिपेट अगर इंडिया करता रहेगा तो आसियान के साथ और अच्छे संबंध बन सकते हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ और अच्छे संबंध बन सकते हैं। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि देर आर डिफरेंसेज बिटवीन इंडियाज विजन एंड द US स्ट्रेटजी फॉर US इंडो पैसिफिक। तो जो US की स्ट्रेटजी है और जो इंडिया की स्ट्रेटजी है दोनों में डिफरेंस है और कोलैबोरेशन नहीं है। दूसरी चीज, दूसरा चैलेंज है कि कंट्रीज लाइक चाइना एंड रशिया दे व्यू इंडियाज विजन विद सस्पिशन। तो चाइना रशिया ऐसी जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के विजन को बड़े सस्पिशन के साथ देखती हैं, बड़े उसके साथ देखती हैं, शक की निगाहों से देखती हैं, है ना। तो हमको ये सारे चैलेंजेस एड्रेस करने पड़ेंगे और प्रॉपर एक इंडो पैसिफिक की और अच्छी पॉलिसी चॉकआउट करनी पड़ेगी। होल्डिंग द सेंटर, नाउ दिस आर्टिकल इज ऑन द EU पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। तो यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होने वाले हैं, याद रखिएगा। इस इलेक्शन में याद रखिएगा 751 सीट्स होती हैं जो EU का यानी कि यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस है उसमें 751 सीट्स के लिए होता है होगा एंड 5 ईयर टर्म्स होंगे। अब देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये सीट्स 705 हो सकती थी,
अगर ब्रिटेन बाहर हो जाता तो, बट ब्रिटेन बाहर नहीं है इसलिए 751 सीट्स पे ही चुनाव होगा। तो अगर आपसे यूपीएससी पूछते हैं कि अभी जो ईयू का इलेक्शन होगा उसमें ब्रिटेन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल गलत है। याद रखिएगा कि ब्रिटेन पार्टिसिपेट कर रहा है। आपसे यूपीएससी इस तरह से पूछ सकता है कि ब्रिटेन इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द ईयू पार्लियामेंट्री इलेक्शन विच आर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन दिस एंड दैट। ओके, तो याद रखिएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईयू के इलेक्शन में, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में इस बार ब्रिटेन पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि ब्रेग्जिट नहीं हुआ है, अभी भी डिले हुआ है। ओके, ये चीज हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस, आगे की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। ये पूरा पॉलिटिकल चल रहा है, पूरा पॉलिटिकल चल रहा है। 10 ईयर्स सिंस वॉर, जस्टिस इज स्टिल एल्यूसिव। दिस आर्टिकल इज ऑन द श्रीलंकन, जो श्रीलंकन सिविल वॉर था उसके ऊपर ये आर्टिकल है। तो एक बार मैं आपको श्रीलंकन सिविल वॉर के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि क्या है श्रीलंकन सिविल वॉर। बेसिकली श्रीलंकन सिविल वॉर वॉज एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट फॉट ऑन द आइलैंड ऑफ श्रीलंका। तो एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है जो कि लगभग 26 साल चला। इट वॉज देयर फॉर 26 ईयर्स। 1983 से स्टार्ट हुआ, इट स्टार्टेड इन 1983। कैसे स्टार्ट हुआ? इट स्टार्टेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट बाय लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। ओके, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, इन्होंने स्टार्ट किया था ये, एंड अगेंस्ट द श्रीलंकन गवर्नमेंट। ओके, LTTE कहते हैं, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। इनको तमिल टाइगर्स या LTTE भी कहा जाता है। दे फॉट टू क्रिएट एन इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट कॉल्ड तमिल एलम इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द आइलैंड। ओके, वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते थे जिसको तमिल एलम वो कहते हैं। तो ये याद रखेगा, LTTE जो था, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, दे वॉन्टेड टू क्रिएट अ इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट कॉल्ड तमिल एलम। ओके, उसको ये कहते हैं। नाउ 26 सालों तक ये कैंपेन चला, मिलिट्री कैंपेन था, एंड फाइनली द श्रीलंकन आर्मी, श्रीलंकन मिलिट्री, इट डिफीटेड द तमिल टाइगर्स इन मे 2009। 2009 मई में तमिल टाइगर्स को डिफीट कर दिया गया, एंड दिस सिविल वॉर केम टू एन एंड। बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ हुई, काफ़ी लोगों को मारा गया, काफ़ी लोगों को, काफ़ी महिलाओं के साथ रेप किया गया, मार दिया गया, उनको बच्चों को मार दिया गया। तो बहुत ज़्यादा ये हीनस था, ये बहुत ज़्यादा हॉरिफिक इवेंट था। कितने लोग मरे उसकी काउंटिंग ही बंद हो गई अब तो, इतने लोग मर चुके हैं श्रीलंकन सिविल वॉर में। तो दैट इज़ द एक्सटेंट ऑफ दिस हॉरिफिक इवेंट, एंड ये इसके बारे में थोड़ा आपको पता रहना चाहिए कि क्या है सिविल वॉर, क्यों ये हुआ। इन अ फर्स्ट फॉर एशिया, ताइवान विल लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। तो ताइवान जो है वो पहली ऐसी कंट्री बन चुकी है आपके एशियन रीजन में जिसने कि सेम सेक्स मैरिज, यानी कि गे लेस्बियन ये जो मैरिज होती है उसको अप्रूवल दे दिया है। दे हैव गिवन अप्रूवल टू दिस, दे हैव लीगलाइज द सेम सेक्स मैरिज। इंडिया में लीगलाइज नहीं है सेम सेक्स मैरिज, इंडिया में अभी केवल होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया गया। तो काफ़ी लोग कन्फ्यूज होते हैं कि सर इंडिया में भी तो हो चुका है, क्योंकि इंडिया में भी तो सेक्शन 377 को डिक्रिमिनलाइज कर दिया। तो इंडिया में केवल होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया है, कहीं पे भी उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि सेम सेक्स मैरिज हो सकती है। तो अभी याद रखिएगा, इंडिया हैज़ नॉट गिवन दिस सेम सेक्स मैरिज प्रोविजन। ये ताइवान एशिया की पहली कंट्री से बन गई जहां पे ये हुआ है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर ऑल दिस थिंग। सो स्पोर्ट्स सेक्शन में आते हैं। स्पोर्ट्स सेक्शन में वर्ल्ड कप के बारे में पता रहना चाहिए, होने वाला है 2019 में ही ये वर्ल्ड कप होगा। ओके, याद रखिएगा, यूके में होगा, और 2022 में होगा फीफा वर्ल्ड कप। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि फीफा वर्ल्ड कप अगला कब होने वाला है, तो फीफा वर्ल्ड कप जो अगला होने वाला है वो 2022 में होने वाला है, और कहाँ पे होगा? कतर में होगा। ओके, याद रखिएगा, कतर में होगा 2022 में फीफा वर्ल्ड कप। ओके, सो दैट इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड रिमेंबर, इसको याद रखिएगा। आगे आ जाते हैं, इस पेज में कुछ खबर नहीं है, कोई खास खबर नहीं है। ओके, नाउ दिस, चाइना टू होस्ट द फेस्ट ऑफ इंडियन न्यू वेव। अब यहाँ पे चाइना में बेसिकली पिंग्याओ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है। तो याद रखिएगा, पहले तो ये कोई क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछे कि पिंग्याओ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ होता है, तो याद रखिएगा ये चाइना में हो रहा है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे इंडिया की 12 फिल्म पैकेज दिखाई जाएंगे, 12 फिल्म पैकेजेस विल बी शोन हेयर। ओके, 1950s से लेके 70s तक एक रिट्रोस्पेक्टिव होगा इंडियन सिनेमा का, 12 मूवीज़ इसमें दिखाई जाएंगी। अब ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है, क्यों? क्योंकि इंडिया, मतलब किसी भी कंट्री के लिए चाइना 10 से ज़्यादा फिल्में अलाउ नहीं करता है, बट दिस टाइम दे आर अलाउइंग दिस 12 फिल्म पैकेज। ओके, 12 फिल्मों का पैकेज अलाउ कर रहे हैं वो, सो दैट इज़ अ बिग थिंग, दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया, यू कैन से। एंड ये सबसे बड़ा रिट्रोस्पेक्टिव इवेंट होगा फॉर इंडिया, एंड न्यू वेव सिनेमा को शो करेंगे 50s से 70s के। चाइना इज होस्टिंग द पिंग्याओ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। अगर आपसे कोई पूछे कि पिंग्याओ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कौन होस्ट कर रहा है, तो चाइना होस्ट कर रहा है। ओके,
चाइना क्रिएट्स ऐप टू रिकोगनाइज पांडाज. ओके, तो चाइना हैज डेवलप्ड एन ऐप दैट अलाउज कंजर्वेशनिस्ट टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल पांडाज यूजिंग फेशियल रिकोगनीशन टेक्नोलॉजी. ओके, तो याद रखेगा कि अगर कोई पूछे कि विच कंट्री हैज क्रिएटेड द ऐप टू रिकोगनाइज पांडाज, तो याद रखेगा कि चाइना हैज डेवलप्ड दिस ऐप टू रिकोगनाइज पैंडाज यूजिंग द फेशियल रिकोगनीशन टेक्नोलॉजी. याद रखेगा फेशियल रिकोगनीशन टेक्नोलॉजी का यूज करके वो पता कर सकते हैं. ओके, अब कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चलता है कहाँ पे चलता है, याद रखिएगा. ओके, फ्रांस में होता है ये कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल. यहाँ पे रॉकेट मैन एक इंपॉर्टेंट मूवी है जिसका नाम आ रहा है काफ़ी ज़्यादा, रॉकेट मैन का. तो रॉकेट मैन इज़ बेसिकली अ बायोपिक ऑन एल्टन जॉन. ओके, एल्टन जॉन इज़ बेसिकली अ सिंगर राइटर या ब्रिटेन के हैं ये, याद रखिएगा एल्टन जॉन. ही इज़ अ सिंगर राइटर फ्रॉम ब्रिटेन एंड यूनाइटेड किंगडम से हैं ये, एंड एल्टन जॉन की बायोपिक है ये रॉकेट मैन. ओके, दिस मूवी इज़ द बायोपिक ऑफ एल्टन जॉन एंड इट इज़ बीइंग शोन इन द कांस फिल्म फेस्टिवल जो कि फ्रांस में होता है. ये भी याद रखिएगा कि कांस कहाँ पे होता है, फ्रांस में होता है. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर दिस. ओके, सो दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स. आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.